हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल का आइकॉन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको मिले सबसे पहले। सूक्ष्म वेद में कहा कि एक पंजाब का रहने वाला एक राम राय उर्फ जुमकरा गांवों में दो नाम रख लेते हैं व्यक्तियों के कई बार। उसका विशेष नाम था राम राय। ये सिंह तो बाद में रखने लगे नाम, पहले ऐसे ही नाम थे अपने हिंदुओं जैसे, इनके नाम तो अब भी हिंदुओं जैसे ही हैं लेकिन आगे सिंह लगाने लगे। तो कहने का भाव ये कि राम राय नाम का एक बहुत बड़ा किसान था 900 बीघे का, उस समय का बीघा बहुत बड़ा होता था, वर्तमान का 5 बीघे का एक एकड़ बनता है, तो वो 4.25 बीघे का अकेला एकड़ अकेला होता था इस 5.5 4 का। तो कहने का भाव ये है कि वो भगवान के चाहने वाला था। गरीबदास जी का कोई शिष्य, जब गरीबदास जी छुनानी विद्वान थे, गरीबदास साहिब जी को आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिल चुके थे, उनसे ज्ञान प्राप्त ऊपर सतलोक सचखंड सब देख कर वापिस आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने ये अमृतवाणी का लेखन कार्य करवाया था। उस वाणी से कुछ वाणी सिलेक्ट करके जैसे ब्रह्मवेदी मंगलाचरण ये उनके शिष्य सुबह किया करते थे नित्यनेम रूप में जैसे हम करते हैं। तो उनका एक शिष्य वासियर गांव लुधियाना के पास है, वासियर गांव, वहां पर गरीबदास जी के नाम से एक कुटिया भी बनी हुई है वासियर गांव पंजाब में। तो वहाँ एक वो गरीबदास जी का शिष्य, गर्मियों का मौसम था, रास्ते चल रहा था, रात्रि में वो वहाँ रुक गया रात ने वृक्ष के नीचे, सुबेरे नहा धो के और सुबह का नित्य नियम करे था। उधर से ये राम राय अर्थात झुमकरा वो सरदार जी स्नान करने अब सुबह फ्रेश होने के लिए घूमने के लिए निकला था ब्रह्म मुहूर्त में। जब उस फ्रेश पुरुष होकर आया उसने देखा कि कितनी अच्छी वाणी जो आत्मा को खींच रही है, ये कौन बोल रहा है, क्योंकि ये लोग सरदार लोग जो सिख हैं वाणी के बड़े ज़्यादा कायल हैं, बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, अच्छा जल्दी इनको प्रभावित होते हैं इससे। तो उन्होंने देखा कि ये वाणी तो एक विशेष है जो खींच रही है आत्मा को, उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भगत ने अपने सारा नित्यनेम कर लिया तब उसने पूछा झुमकरा जी ने कि हे भक्त ये वाणी किसकी है। उन्होंने बताया कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी की वाणी है, ये संत विद्वान हैं वर्तमान में अखा जी, ये आज मैं अपने शरीर के अंदर हैं और छुड़ानी गांव, पूरा एड्रेस बता दिया उन्होंने, लिख लिया। एक दो दिन के अंदर वो छुड़ानी पहुंच गया, गरीबदास जी के साथ चर्चा हुई और गरीबदास जी ने फिर सारा ज्ञान बताया, नानक साहिब जी को कौन मिले थे, कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, वो कौन है, वो परमात्मा है, सारी कहानी बताई। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। जब खूब ज्ञान सुन लिया, सृष्टि रचना सुनाई, तब उस झुमकरा ने कहा था कि हे मालिक, हे भगवान, हे महात्मा जी, ऐसा ज्ञान तो आज तक कोई सुनाने वाला नहीं मिला। तब गरीबदास जी ने कहा था के गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़ मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, यू पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा, कोटो मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर किसनो राई झुमकरा। कि इस ज्ञान के जानने वाला जो मैं तुझे सुना रहा हूं करोड़ संतों में नहीं मिलेगा, अरबों में मिलेगा तुझे, अरबों में। उसमें गरीबदास जी अरबों में ही थे, अकेले ही संत थे, लेकिन
उस समय उनको ये सारे नाम देने का आदेश नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि करोड़ों में भी कोई संत तुझे नहीं मिलेगा इस ज्ञान का जानकार, अरबों में मिलेगा, अरबों में। कोई गर्क, गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी सारे ज्ञान से संपूर्ण, ज्ञान भी हो और भक्ति समाधान भी हो, कंप्लीट मंत्र भी हो जिसके पास। हमारे ये क्योंकि गरीब दास जी किसान थे, जाट थे, गांव छुड़ानी के, हरियाणा के, हरियाणा की लैंग्वेज में इन्होंने वो परमात्मा की महिमा अधिक बोली है। गर्क का अर्थ होता है जैसे हमारे देसी हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि ये लड़का ताकत में, हंगे में गर्क है। हंगे में यानी हंगा माने ताकत, जैसे कोई पहलवान हो तो उसने नो कहा करते भाई ये तो ताकत में गर्क है। गर्क माने कति गच है, यानी घना शक्तिशाली है। और दूसरे कहा करते जिसके पास घना धन होता है, यूं कहा करते यू तो धन में गर्क है, यानी ज्यादा धनवान होता। तो यहाँ उसी लैंग्वेज को प्रयोग करते हुए कहा है कि कोट्यो मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क के, कि इस ज्ञान में गर्क यानी कंप्लीट ताकत और खूब धनवान इस ज्ञान का और भक्ति शक्ति का कोई अरबों में एक मिलेगा। आज सारे संसार की आबादी 7 अरब के आसपास बताते हैं मनुष्य जीवन, मनुष्यों की। तो इन 7 अरब में एक दास है जो इस ज्ञान का जानकार, विश्व में कोई नहीं। तो आपका सौभाग्य है कि आपको मनुष्य जीवन मिला जो बहुत दुर्लभ, और वो सतगुरु मिल गया। बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रवते और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ। वो दास भी आपको मिल गया। आपकी कितनी अच्छी किस्मत है, कितनी लाडली आत्मा हो उस परम पिता की, कबीर भगवान की, आप जो बहुत वक्त से आगे हो। जो देर से आएंगे पछताया करेंगे, गए समय को रोया करेंगे टक्कर मार मार के, उस समय फिर हाथ नहीं आवेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब सतगुरु मिलते हैं तो फिर ज्ञान बताते हैं। सतगुरु सच्चा ज्ञान देते हैं, उसी को सतगुरु कहते हैं। और जो सदग्रंथों के ज्ञान को ही आगे बढ़ाता है वो सतगुरु कहलाता है। जिनको ज्ञान ही नहीं है, अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है, वो सतगुरु नहीं है, वो बकवादी व्यक्ति है। तो पुण्यात्माओं, और सतगुरु सत्संग करते हैं और सत्संग से फिर ज्ञान होता है। अब गरीबदास साहिब जी सतलोक में सारी व्यवस्था देखकर आए, भगवान की महिमा से परिचित हुए, उन्होंने क्या बताया है, एक वाणी सुनाते हैं आपको। न्योली न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है व्यसना व्यापैसे से। पुणात्मा, ये सूक्ष्म वेद है। आपने तो, आपको तो 4 वेद ही ऐसी समस्या पैदा हो रही थी, ये 4 वेद ही नहीं समझ में आए थे, वो संस्कृत में थे। और ये सूक्ष्म वेद जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, परमात्मा ने जो बोला है वही गरीबदास जी ने यहाँ लिखवाया लिखा है। ये भी एक सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर कंप्लीट ज्ञान है। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं परम अक्षर ब्रह्म आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान के अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उसको जानने के बाद फिर सब पापों से जीव मुक्त हो जाता, वो सूक्ष्म वेद है। 4:34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान खुद बताता है, तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे दंडवत प्रणाम करके कपड़ छोड़कर प्रसन्न करने से
वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो अब ये सूक्ष्म वेद है, इसको समझना बड़ा कठिन है। इस दास पर दया करी उस परम पिता कबीर भगवान ने, इस दास की बुद्धि खोली इस मालिक के गूढ़ रहस्यों को समझने और आपको समझाने के लिए। न्योली न्योल नेवले को कहते न्योल देसी भाषा में, अरवाणी भाषा। न्योल नाद सुभान गति ये लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है व्यसनी व्यापेष। अब देखो एक एक पंक्ति है दाता के ज्ञान की, और इसमें कितना गुड़ रहस्य छुपाया है कि जिस भगत के पास ये यथार्थ मंत्र सतभक्ति सतनाम जिसके पास उपलब्ध है, वो एक ऐसा सुरक्षित हो गया जैसे एक नेवला होता है। नेवला आपने समझाओ, समझते हो नेवला, उस नेवले की कितनी लंबाई होती, ज्यादा से ज्यादा वो 8-9 इंच लंबा होता समेत पूछड़ के दूम समेत, और चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है, और वो सर्प के साथ लड़ता है। सर्प लगभग 15-10 फुट 12-12 फुट लंबा हो जाता है और उससे कई गुना ताकतवर होता है। अब वो उसे कैसे लड़ता है, वो ऐसे स्थान पर उस सर्प को छेड़ता है जहां पर किसी झाड़ी में बोझड़े में एक जड़ी होती है, नागदमन जड़ी नाम है उसका, नागदमन, और उसमें से महक निकलती है। वो नेवला क्या करता है, वहां उस जड़ी को सूंघ कर आता है, श्वास रोक लेता है और उधर से सर्प को छेड़ जाता है। सर्प उसके लिए ऐसे तैयार होता है डंक फन फन उठा करके। अब नेवला उसके निकट आकर के वो जड़ी जो सूंघ कराया था वो श्वास छोड़ देता है। उस जड़ी के सामने सर्प को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं उसकी नाकों में जाते ही, और वो अपनी जान बचा के भागने की सोचता है। फिर नेवला उसकी मुंडी पर बैठ जाता फन के ऊपर, और साथ में वो श्वास भी छोड़ता रहता है, और फिर उसको पकड़ के मार देता है। अब नेवले का के पास वो जड़ी है तो वो उसको काबू कर पाया इतने लंबे अजगर को। इसी प्रकार ये काल जो है एक सर्प है और जीव एक नेवले जैसा वो छोटा प्राणी है, इसकी ताकत के सामने जिसके पास ये सतनाम रूपी जड़ी है नागदमन, वो फिर इस काल पर विजयी पालेगा। क्या बताया है, न्योल नाद सुभान गति वो लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है व्यसना व्यापेषे से। कि सतनाम जो नाद है, सतनाम का जो मंत्र है, ये भगवान की शक्ति जगदीश की शक्ति है। इसकी जिसके पास इसका ये जड़ी है उसके ऊपर काल रूपी अजगर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पे, हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़े, और कव्वे उड़ उड़ जाते हैं ये खाते मसाहाड़े। हंस दशा तो साधु है ये सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे पर चढ़त नवेला रंग। दर्श परस नहीं अंतरा रोमी वस्त्र बीचे, पारस लोहा एक डिग वही पलटे नहीं अभीचे। अब क्या बताते हैं कि हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कव्वे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। हंस किसे कहते हैं, हंस एक पक्षी है
जो बुगले जैसा होता है। बुगले में और हंस में डिफरेंस देखने के लिए ये बताया जाता है कि हंस एक ही सरोवर में हंस भी होते हैं, बुगले भी होते हैं। बुगले खाते हैं मछलियां या कीड़े मकौड़े, हंस नहीं खाएगा, हंस केवल मोती खाता है। दूसरे हंस में एक और गुण दिया है परमात्मा ने कि एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डाल दीजिए और हंस के सामने रख दो, हंस में ऐसी ताकत शक्ति दी है कि वो दूध को पी लेगा, एक गिलास पानी उससे छोड़ देगा। वैसे दूध से पानी अलग होना बड़ा असंभव है और उसमें वो ताकत है। तो इसी प्रकार जो भक्त हैं जिन्होंने दूध और पानी छान लिया, जिन्होंने कीड़े मकोड़े खाने छोड़ दिए, यानी बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये बकवाद थी ये त्याग दी, वो हंस जैसी वृत्ति के सूचे भक्त बन गए। अब कहते हैं कि हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं जो खाते मांसाहार। यानी जो हंस हैं वो सत्संग को नहीं छोड़ सकते, जो कौवे जैसी वृत्ति के व्यक्ति हैं जिन्होंने बकवाद छूटती नहीं वो सत्संग छोड़कर बकवादें करते रहते हैं। हंस दशा तो साधु है, हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलवाणी चुग ये चढ़त नवेला रंगे। अब उन हंसों के लिए ये सत्संग रूपी सरोवर है और ये साधु आत्मा ये हैं हंस। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संग, और यहाँ ये परमात्मा की अमृतवाणी रूपी मोती खा रहे हैं, और फिर चढ़े नवेला रंग दूना अच्छा भाव बनता चला जाएगा जो सत्संग में आए जाएंगे डटे रहेंगे। और हंस गवन करते नहीं हंस नहीं जाते मान सरोवर छाड़े, ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहारे। तो जो पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आगे ज्ञान समझ लिया, फिर संसारिक कार्यों में उनकी रुचि नहीं रहेगी। कौन से कार्य? जो कुरीतियां हैं, विवाह शादी में बकवाद नाचना गाना, दहेज देकर अपनी फोकट में अपनाना, फिर कर्जे में दबा रहना, ये इस तरह की बकवादें, शराब मांस तम्बाकू और इन राजनीति में धक्के खाना, ये हंस नहीं करेंगे, भक्त नहीं कर सकता। वो तो कव्य जैसे लोग हैं जिनको वृत्ति ही गलत है, वो ही सत्संग छोड़ कर इन बकवादों में जाते हैं। अब फिर क्या बताते हैं? द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, सौ काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। इस मार्ग में सफल होने का एक फार्मूला बताया है कि जब ज्ञान हो जाता है, परम संत की पहचान हो जाती है, कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, आवे और जावे भगवान के चरणों में। और चाहे कितने ही आपत्ति आप पर काल देवे, जैसे संसारिक, क्योंकि आपने नाम ले लिया, अब धीरे धीरे आपका सब संकट दूर होने लगेंगे, तो आप ऐसा महसूस करोगे कि जैसे कोई आपत्ति आ गई नाम लेने से। नहीं, आपत्ति तो टल रही है आपकी, अगर नाम ना ले रखा होता तो जान जानी थी। आपको कई भक्त मिलते हैं, कहते हैं जी नाम लेने के बाद मैं वहाँ से छोड़ कर आया हूँ, मेरा ऐसी कुछ तकलीफ होगी। भले आदमी, वहाँ से तो नरक था, सीधा काल था, वो तेरी जान जानी थी, यहाँ आने के बाद तो तेरी जान बच गई छोटे मोटे इस दुख से। तो क्या कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, और सौ काल झकझोल ही, काल बीच में बेशक झटके दे पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब जैसे आप यहाँ आते हो, सतगुरु क्या होते हैं? एक सतगुरु की उपमा ये भी है कि सतगुरु एक धोबी है,
और जीव है एक कपड़ा जो संसार के कर्मों में घना मैला हो गया। अब धोबी किसी का कपड़ा धोने के लिए आता है, राजा का भी होता है, अधिकारियों के भी होते हैं, उन सभी कपड़ों को कैसे धोता था वो? पहले तो उनको जल में भिगोता था और फिर उन्हें पकड़ कर पत्थर पर पट्टा पट मट्टा मट मारा करता गद्दाए गद, जब तक मैल ना छूट ले इतने मुक्या गिल्ला लातों के साथ, और फिर पत्थर पर पटक पटक मारे। तो उस कपड़े का दुश्मन नहीं है, और वो कपड़ा नहीं क्या बता, मैं तो घट दिया इसने यू क्या करया, तो वो मैल निकाल रहा है आपके अंदर से, दोष निकाल रहे हैं परमात्मा। परमात्मा की शरण में आने के बाद छोटी मोटी कोई हरकत होती है तो गॉड गिवन समझना कि आपको पटका जा रहा है उस धोबी के गांठ की तरह।